इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। मोहम्मद रिजवान अपनी बादशाहत बरकरार रखने में कामयाब रहे। T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के रैंकिंग पॉइंट्स 853 से बढ़कर 861 हो गए। ICC T20 रैंकिंग में भारत के सूर्या कुमार यादव का दूसरा नंबर बरकरार है, जबकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। T20 बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड की पहली पोजीशन और अफगानिस्तान के राशिद खान की दूसरी पोजीशन बरकरार है। नई रैंकिंग में श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा तीसरे नंबर पर आ गए हैं। जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी चौथे नंबर पर चले गए। बॉलर्स रैंकिंग में हारिस रऊफ का 14वां और शादाब खान का 15वां नंबर है। ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में बांग्लादेश के शकीब उल हसन नंबर 1 पर आ गए, जबकि अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का दूसरा नंबर है। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चंद्र सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज़ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।